अपनी रेसिपी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी खिक्सा की सब्जी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। इसे बहुत जगह ककोड़ा भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसे खिक्सा बोलते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 खिक्सा लिए हैं। तो ककोड़ा को हम लोग छील लेते हैं। इस तरह से आप इसे छील लीजिए। ऐसे ही हम लोग ये तीनों ककोड़ा छील लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे ऐसे छील लिया है। तो अब हम लोग इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बाजार में बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो आप इसे जरूर बनाइए और खाइए। तो ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया। तो चलिए अब हम लोग खिक्सा की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसे हमने उबाल के छील लिया है और ऐसे कट कर लिया है। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम लोग इसमें डालेंगे 6 से 7 चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तो आप इस रेसिपी को कोशिश करिए कि सरसों के तेल में बनाइए, उससे इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा आता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग आलू फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो आलू फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग उसी तेल में खिक्सा की सब्जी बनाएंगे। तो तेल हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो इसीलिए हमने तेल निकाल लिया है। और अब हम लोग इसमें सबसे पहले तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देंगे। और अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों। और अब इसे हम लोग डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और गैस को अपने मीडियम करेंगे। और अब प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज हमारा हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्च जिसे हमने कट कर लिया है, मिला लेंगे। अब हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट को और हरी मिर्च को 10 से 15 सेकंड तक भून लेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे कटा हुआ खिक्सा, मिला लेंगे। तो अब हम लोग इसे लो फ्लेम पे लाल होने तक भून लेंगे। तो खिक्सा यहाँ पे हल्का लाल हो गया है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे आलू जो हमने फ्राई किए थे। और अब हम लोग इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे 2 छोटे साइज के टमाटर जिसे हमने कट कर लिया है। आप 1 बड़ा साइज का भी टमाटर डाल सकते हैं। और अब इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम लोग इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे टमाटर को गलने देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो टमाटर हमारा गल चुका है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे गरम पानी। एक बार मिला लेते हैं और फिर इसे हम लोग गरम पानी ऐड करते हैं। आप उतना ऐड कीजिए जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे मिला लेंगे। तो अब हम लोग इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए, हमारी बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी खिसका की सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी ये है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती और अब इसे हम लोग मिला लेंगे। तो अब गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, हमारी खिसका या कोकड़ की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे पूड़ी, चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए।
तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।